मेकअप स्टार्ट होगा मेरा एम्स्टरडैम के प्राइमर से। ये स्किन की रफनेस और फ्लैकी स्किन को हटाता है। ऑल स्किन टाइप है, क्रुएल्टी फ्री है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और ये 6 घंटे तक आपके मेकअप को टिकाए रहता है। काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है, हाइड्रेटिंग है, लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट पैकेजिंग के साथ आता है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। नॉन स्टिकी है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, जो पोर्स होते हैं उन्हें मिनिमाइज करता है और साथ ही साथ ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मेकअप रिवोल्यूशन का फास्ट बेस स्टिक फाउंडेशन F8 यूज़ कर रही हूँ। ये विटी स्किन के लिए परफेक्ट है, ऑल स्किन टाइप है, मैट वो देता है, फिनिश देता है और फुल कवरेज देता है। मैटिफाइंग के साथ साथ ये आपके स्किन के जो इम्परफेक्शंस है उन्हें हाइड करता है, काफ़ी स्मूदनिंग वाला लुक देता है, ईजी टू अप्लाई है, इवन स्किन टोन देता है, काफ़ी लंबे समय तक रहता है, डेली यूज़ के लिए परफेक्ट है, इसकी पैकेजिंग अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी है टोटली। उसके बाद LA Girl का प्रो HD कंसीलर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैटिफाइंग है, क्रीजलेस है, लॉन्ग लास्टिंग है और इफ़ेक्टिवली सारे जो स्पॉट्स होते हैं उन्हें हाइड करता है। काफ़ी स्मूथ फिनिश है, लॉन्ग लास्टिंग है, टोटली वैल्यू फॉर मनी है, गुड फॉर डेली यूज़ है, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ पर मैं स्टे क्वर्की का सैटिन फिनिश लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है, लाइट वेट है, हाइड करता है विजिबल पोर्स को और स्किन पर जो ऑयल आता है उसे कंट्रोल करता है, जिससे ये शाइन कंट्रोल बोला जाता है और ये ब्लर करता है फाइन लाइंस को। क्रुएल्टी फ्री है, ऑल स्किन टाइप है, ये बनता है राइस के स्टार्च से और 6 घंटे तक आपके मेकअप को अच्छे से टिका कर रखता है। उसके बाद NYB का ब्रोकराइन ब्रिज आईब्रो पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि क्रुएल्टी फ्री है, ब्लैक कलर का है, स्मच प्रूफ है, सिंगल स्ट्रोक अप्लीकेशन है, ईजी अप्लीकेशन होने की वजह से बहुत अच्छे से लग जाता है, लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी कन्वीनियंट पैकेजिंग है, वैल्यू फॉर मनी है और आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर पर्पल का कोहल यूज़ कर रही हूँ, सुपर ब्लैक, जो कि मैट फिनिश के साथ आता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, जी हाँ 12 घंटे तक रहता है, स्टिक फॉर्म में है, इसका टेक्सचर जो है वो काफ़ी स्मूथ है, लॉन्ग लास्टिंग है, इंटेंस पिगमेंटेशन है और जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी प्रीशियसली लगाता है, स्मच प्रूफ है, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी काफ़ी लंबी है, हाई कलर पे ऑफ देता है, सिंगल स्ट्रोक एप्लीकेशन है और स्मूथ एप्लीकेशन होने की वजह से ये बहुत अच्छा दिखता है। उसके बाद मैंने फेसेस का मस्कारा लगाया है, जो कि मेरे लैशेस को अच्छे से कर्ल करता है और काफ़ी लंबे समय तक लैशेस का एक लुक जो है टिका कर रखता है। उसके बाद मैंने निका के डुओ ब्लश लगाया है, इसमें 2 शेड आते हैं, पिंक एंड ऑरेंज, और ऐसे ही आपको और वेरियंट मिल जाएंगे। ये ब्लश भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और इंडियन स्किन टोन के लिए परफेक्टली बनाया गया है। अब मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर, जो कि है वेट एंड वाइल्ड का स्टिक फॉर्म वाला हाइलाइटर। ये जो हाइलाइटर है स्टिक फॉर्म में आता है और इसे लगाना काफ़ी आसान है, इजीली ये आपके स्किन पर लग जाता है और ब्लेंड भी बहुत आसानी से हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है इस हाइलाइटर की कि ये लंबे समय तक टिका रहता है, ऐसे नहीं कि कुछ देर के बाद चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो मुझे ये स्टिक फॉर्म वाला जो हाइलाइटर है काफ़ी ईजी टू यूज़ और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगा। और लास्ट में यहाँ पर मैं शुगर की क्रेयॉन वाली लिपस्टिक लगाने वाली हूँ, जो कि मैट फिनिश के साथ आती है, वेगन है, पैराबिन फ्री है और पैराफिन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है और इसके अंदर बी वैक्स है और कैंडेलिया वैक्स है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, हाई कलर पे ऑफ है और स्मूथ एप्लीकेशन के साथ इंटेंस पिगमेंटेशन भी है। और उसके बाद क्या, बस अपनी ईयरिंग्स पहन लूँगी और हाँ बिंदी लगा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। जितने भी आज मैंने प्रोडक्ट दिखाए हैं सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हे एवरीवन, तो देखिए शाम के ऑलमोस्ट 6:15 बजे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कभी कभी हो जाता है ना आपका मूड ठीक नहीं रहता है, कुछ लोग रहते हैं जो आपको मजबूर कर देते हैं आपका मूड ख़राब करने में, ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। फिर मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ पर मुझे जो जो लगा वो मैंने बोल दिया, क्योंकि जब अंदर से जो चीज़ें निकल जाती है ना तो आपको काफ़ी हल्का, रिलैक्स और अच्छा फील होता है ना। इसलिए अगर आपके दिल में जो भी बात दब रही है, ओ माय गॉड, ओ जस्ट अ सेकेंड,
राज ने मुझे एक व्हाट्सअप किया है जिसमें लिखा है वी विश यू अ प्लेजेंट स्टे एट रेडिसन ब्लू रिसोर्ट। अब मुझे इसे थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा क्योंकि उसके नीचे का जो मैसेज है मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। इसका मतलब उन्होंने कुछ तो बुक किया। बेबी जरा इसको स्क्रॉल करो, ऊपर ऊपर करो। हाँ, एंड स्पा अलीबाग, मतलब हम लोग अलीबाग जा रहे। मुझे पता भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं, वी आर गोइंग टू अलीबाग। खुश हो जाओ बाबू। कब? अभी मुझे भी नहीं पता, मुझे ये मैसेज अच्छे से देखना पड़ेगा जो राज ने भेजा है। एक हाथ में कैमरा और एक पैर में चप्पल पहनने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब मैंने अपनी मन में जो बात थी सब निकाल दी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला अब मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। वैसे आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपनी साड़ी जो मैंने फॉल बीडिंग करने के लिए दी है उसे लेने। आप इधर, तब तक हैंग ऑन ताला। बारिश की वजह से मॉनसून बेबे, मैंने छाता नहीं लिया। बारिश हो रही है क्या? मैंने छाता ही नहीं लिया। हो रही है? ओके, तो देखो जैसे ही मैंने सारी अपने दिल की भड़ास निकाली, सोचा भी नहीं था कि हम लोग अलीबाग जा रहे हैं, बैठे बैठे मुझे अलीबाग का पता चल गया। मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, राज ने अच्छा खासा मुझे सरप्राइज दिया। मुझे 3 दिन से पूछ रहे थे। मेरा बर्थडे गिफ्ट है। अच्छा, अलीबाग तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है? मैंने दुबई सोचा था, पापा ने दुबई को अलीबाग क्यूट। पापा ने दुबई को अलीबाग नहीं किया। तुम्हारी स्कूल की बहुत सारी हॉलीडे हो गई है। अगर हम अगर दुबई जाते हैं तो मिनिमम 5 डेज के लिए जाएंगे, तो 5 डेज के लिए फिर से तुम्हारी स्कूल की हॉलीडे हो जाएगी, इसलिए पापा ने अलीबाग किया है जिससे हम लोग वीकेंड पर जाकर आ जाए। मुंबई में अलीबाग में बहुत अच्छा समुंदर है बेटा, और पापा ने जो रिसोर्ट भी बुक किया है रेडिसन ब्लू, वो तो बहुत अच्छा है। सॉरी, इग्नोर इट, नहीं तो कुछ अर्थ अलग निकालते लोग। इग्नोर इट, जानबूझ कर नहीं, दिख जाता है कभी कभी, इग्नोर इट। ओके, सो रेडिसन ब्लू तो मैंने देखा है गूगल पिक्चर्स के हेल्प से। 6:15 ऐसा माहौल हो जाता है ना जैसे अंधेरा। सो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्या बोलूँ। मतलब राज मुझे बोल रहे थे सैटरडे संडे का प्लान करते, कहीं घूमने चलते, तो मैंने उन्हें बोला भी कि नहीं यार, पास में अगल बगल में लोनावला ही है, अलीबाग है, अलीबाग बहुत थोड़ा सा पता नहीं, लोनावला जाकर आए हैं। तो साड़ियाँ मुझे मिल चुकी है, एक ब्लाउज भी दे दिया है, उसे मुझे चेक करना है कि फिटिंग हो रही है नहीं हो रही है। अगर फिटिंग हो रही है तो फिर अगले 8 ब्लाउज सिलना चालू कर देंगे, नहीं हो रही है तो फिर जो भी एडजस्टमेंट है वो हो जाएगा। और बस अनिका को कुछ लेना है तो यहाँ पर बैठी हुई हूँ। एक्चुअली मुझे ऑफिस में जाना था तो वो देख रही है, मैं बैठी हूँ देख रही है वो। नहीं, पिंक वाले के लिए मैंने पे ही नहीं किया, मैंने इस वाले के लिए पे किया। हैप्पी? किधर गई थी बाबू? ऐसा क्या घुस दिया कि वो पता नहीं रही। अरे नीचे की दुकान में गए थे पापा, बस यही खरीद लाए। मम्मी घुस दे दी तुमको? क्या सारा क्या लाए? इधर जल्दी से खाके डॉक्टर के पास जाओ। मुझे कंपनी से बाहर कर दिया। ये तुम्हारा सरप्राइज, तुमको आउट कर देगा ये। मैं तो चाहती हूँ कि मैं इस कंपनी से बाहर जाऊँ।
तो चाहती हूँ अभी निकाल ही दिया तो ये क्या दिखा रहे हो टर्मिनेट जॉब इन गो आई बी बो जॉब इन गो आई बी बो इसीलिए तो टर्मिनेट किया गया है कि मुझे गो आई बी बो में जॉब मिला है। हाँ लो बेटा लो तुम पहले मेरा जॉब ऑफर लेटर पढ़ लो। सो मुझे गो आई बी बो के रेडिसन ब्लू अलीबाग के रिसोर्ट में बुलाया है। आप खोलो क्या बड़ी बात है, ये तो बेड की दुकान है। बेड की दुकान लिखा बेड बना हुआ है यहाँ पर। ओके सो ओके मुझे बुलाया गया है बाबा पर। तारीख कौन सी है? 14 तारीख को। वेरी नाइस। ऐसा सबके साथ हो सबके साथ ऐसा हो कि उनको उनकी नौकरी से लोगों को अलीबाग भेजा जाता है ना, पता ना पता है कि नहीं। आगरा में एक पागल का हॉस्पिटल है मतलब, और जो सेकंड वाला है जो भी मुंबई में पागल होता है उसको बोलते हैं ना अलीबाग। अलीबाग से आया है क्या? ऐसा है इसलिए मैं तुम्हें अलीबाग भेज दिया। वेरी नाइस, बट आई एम रियली हैप्पी क्योंकि अलीबाग मुझे बहुत पसंद है। आई एम रियली हैप्पी। और ऐसा हर कोई अपनी कंपनी से निकलना चाहेगा, अगर उसे अलीबाग घूमने भेजा जा रहा है तो डेफिनेटली निकलना चाहेगा। एक कुरियर आया है, देखते क्या है वो। जोक सपाट। सो वैसे आपने जो मेरे को व्हाट्सअप भेजा था ना वो मैंने पढ़ लिया था। राज को लगा मैंने राज का व्हाट्सअप नहीं पढ़ा। रीड में नहीं दिखा रहा था पर मेरे ऊपर ही आ जाता है ना व्हाट्सअप का जो भी मैसेज है, तो मैंने ऐसे मैंने पढ़ लिया था। हमने हमने वीडियो भी बनाया है और तुमको बता दिया था कि हम लोग जा रहे घूमने। हां बता दिया था तुमको। उसका पता था। हम लोग यहाँ पर ऊपर से तुम भी नाटक कर रही थी। हम दोनों ने राज को ऐसे दिखाया कि हमको पता ही नहीं है, पर हमको पहले ही पता था। आपके सामने ही बात है, मैसेज आया था तो उनको लगा कि हमने मैसेज नहीं पढ़ा तो कुछ पता नहीं है। सब चले गए हैं अपने अपने घर और मेरा एक व्लॉग जो है वो सेव हो रहा है। लास्ट के 4 मिनट्स दिखा रहा है सेव होने में। सैटरडे हम लोग को जाना है, उसी दिन पीटीएम भी आ गई है स्कूल की, पर लकीली पीटीएम का जो टाइम है वो सही है, हम लोग जाने से पहले अटेंड कर पाएंगे। और जा रही हूँ मम्मी को फ़ोन करने, वो कब आ रही है, आई एम मिसिंग हर। आने का नाम नहीं ले रही है, बोलती है मैं मम्मा माय मम्मा, बोली कि मैं आती हूँ। हाँ कल गणपति जा रहे हैं ना, तो उन्होंने बोला था कि गणपति वहाँ पर भी गणपति है ना, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, तो शी सेड कि वो गणपति चले जाएंगे फिर आई विल कम। तो मैंने बोला अभी पूछती हूँ ना, बुक किया कि नहीं टिकट, नहीं किया तो फिर तो डांट लगानी पड़ेगी भाई, बहुत हो गया कब की गई आ ही नहीं रही है, फोन करना पड़ेगा। मैं आज कुछ स्पेशल बना रही हूँ फोकस। तो मैं क्या बना रही हूँ आपको पता है, चना मसाला राइस। जी हाँ, इसके लिए आपको इस तरह के काले चने भिगोकर उबालने हैं, मैंने उबाल लिए हैं। प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए और बारीक कटा हुआ अदरक चाहिए। सारी तैयारी हो गई है। धनिया भी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास धनिया नहीं है, हो सकता है रेसिपी में थोड़ा सा तड़का कम लगे धनिया की वजह से, तो मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी डालूंगी ऐसा मैंने सोचा है। लेट्स सी, पहले तैयारी करते हैं। चावल पका लेना बेटा, आवाज कम करो। और चावल पका कर रखिए और उसमें नमक भी डाल कर रखिए, फिर ये क्विकली बन जाएगी। Thank you.
डिनर के लिए जा रही थी तो थोड़ा सा टेस्ट करके बताओ। फ्लेवर्स बहुत अच्छे उठ कर आए हैं और परफेक्ट बना है, जैसा चना मसाले के साथ चावल खाने में लगेगा। बहुत अच्छा, बहुत ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत आसान है, ट्राई ज़रूर करिएगा। टमाटर मुझे लग रहा है और थोड़ा होना चाहिए, अच्छा लग रहा है खट्टा खट्टा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कल रात को खाना खाने के बाद हम लोगों ने देखी सुपर 30 जो आई है हॉटस्टार पर। तो सुपर 30 देखने में 1 बज गया और 1 बजे सोने के बाद अभी 8:30 बजे उठी हूँ। देखो मेरा मुंह एकदम सूजा हुआ है। तो अभी हमारी जो बर्तन वाली दीदी है ना, वो आई तब हम लोग उठे हैं। सुपर 30 काफ़ी अच्छी मूवी थी, बहुत ही अच्छी मूवी थी। और देखो बिग बास्केट का ये आ गया है, ये देखिए ये वाला दूध मैं इस्तेमाल करती हूँ, अमूल काउ मिल्क ये वाला। इसमें थोड़ा भी ना वो मैंने बोला था ना बात नहीं आता। और अमेजोन से कुछ आया है सुबह सुबह। फाइनली थोड़ा सा मौसम खुल गया है तो कपड़े वगैरह अभी सूख रहे हैं। बस आज तो धूप भी दिख रही है हल्की सी लेटनी सी। धूप, ओह गॉड, पता आपको 1 तारीख के बाद आज है 12 तारीख को धूप हो गई है। मुंबई वाले तरस गए थे इस दिन के लिए, इतनी बारिश हो रही थी। फाइनली आज ऊपर एकदम क्लियर दिख रहा है और सूरज महाराज भी दिख गए हैं। फाइनली मेरे कपड़े सूखेंगे। ये देखिए धूप, ये सारी न्यू बेडशीट्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगी।